रेडमी नोट 5 प्रो के लिए अगर आप कोई अच्छा प्रिंटेड बैक कवर लेना चाहते हो तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं MTT का जो मार्वल एवेंजर्स वाला प्रिंटेड बैक कवर आता है उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो पहले आप अनबॉक्सिंग देख लो और आखिर में मैं इसका रिव्यू बताऊँगा। ओके, तो पहले प्राइस की बात करते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया है 399 का। फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर प्राइस ज़्यादा है, लगभग 500-550। तो आपको, मुझे नहीं लगता है फ्लिपकार्ट से लेना चाहिए, अमेज़ॉन से ले लो। और जो बाइंग लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले प्रोस की बात करते हैं। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है इस बैक कवर की वो TPU है, हार्ड रबर मैं कहूँगा। जैसे आप इसे लगाते हो आपका डिवाइस जो है आपके हाथ में सिक्योर फील होता है और ऐसा लगता है अगर ये हाथ से गिर भी जाएगा तो आपके डिवाइस को ये आसानी से प्रोटेक्ट कर लेगा। जो एजेस है आपके, जो 2.5D जो कर्व ग्लास आता है इस फ़ोन में, जो एजेस है ये एकदम सिक्योरली जो है कवर कर लेता है। और अगर फेस डाउन भी ये गिरता है फ्लैट सरफेस पे तो आपके स्क्रीन को ये बचा लेगा, अगर उसमें टेम्पर्ड ग्लास हो या ना हो। प्रिंटिंग की अगर बात करें, क्योंकि एक प्रिंटेड बैक कवर है, मैंने यहाँ पर आयरन स्पाइडर का आर्मर ऑर्डर किया है और यहाँ पर प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है एकदम टॉप नॉच है। आपको एकदम रियल फील होता है और मार्वल मर्चेंडाइज है तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। तो अब अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो है, अगर आप एक फुल स्क्रीन टेम्पर ग्लास यूज़ कर रहे हो अपने रेडमी नोट 5 प्रो में तो ये बैक कवर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उसे पील ऑफ कर देगा। तो आपको दूसरे टाइप के जो है टेम्पर ग्लास यूज़ करने पड़ेंगे इस कवर के साथ। दूसरा सबसे बड़ा कॉन मुझे जो यहाँ पर लगता है वो है जो कैमरा बम्प है। ये कवर उसे कवर तो कर लेता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो एज है कैमरा बम्प से और थोड़ा ऊपर होता तो जो प्रोटेक्शन है मुझे लगता है और भी सिक्योर होता, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो का कैमरा ही सब कुछ है और अगर कैमरा का कुछ हो जाए तो बस फोन गया। तीसरे सबसे बड़ी कॉन की यहाँ पर बात करेंगे जो है इसका प्राइस। तो अगर ये मार्वल मर्चेंडाइज है तो अगर इसकी जो प्रिंटिंग है अगर इसको निकाल दें और जो बैक कवर बचता है, इस तरह का बैक कवर आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो खाली प्रिंटिंग के लिए ये चार्ज कर रहे हैं आपको 400, और अगर फ्लिपकार्ट से लोगे तो वो 500 तक चला जाएगा। तो मतलब खाली प्रिंटिंग के लिए आपको इतना पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप मार्वल एवेंजर्स के फ़ैन हो तो मैं कहूँगा जो प्रिंटिंग क्वालिटी है एकदम टॉप नॉच है और बैक कवर भी अच्छा है, और अगर ये कैमरा बम को थोड़ा और प्रोटेक्ट कर लेता तो एकदम परफेक्ट कवर बन जाता। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा एक अच्छा बैक कवर है, आप इसे ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करके जा सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ठीक ठाक वीडियोस बना लेता हूँ। और अगर आपको Redmi Note 5 के और भी बैक कवर्स के जो है रिव्यू देखने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वाला रिव्यू कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। पीस।